अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सेकंड टॉपिक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, चैप्टर 4 और 5 है आपकी टेक्स्ट बुक का। या ये दो कोटेशंस हैं, एक कार्ल पियर्सन, ये बड़े मशहूर ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन, इनफैक्ट ये वो मैथमेटिशियन है जिन्होंने स्टैट्स इजाद की थी, पहली बार स्टैट्स की साइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और ये नीचे प्लाटो हैं, इनकी मशहूर किताब फिदो में, प्लाटो ऑफ अफलातून जिनको हम कहते हैं। तो एक एक साहब कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ का एक महीने का डेटा ले लें तो आपको फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज समझ आ जाती है। यानी ये कह रहे हैं कि स्टैट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और डिवाइन किस्म की चीज़ है। आपको फाउंडेशन ऑफ नॉलेज आप समझे ना, वो आयतुल कुर्सी में जो हम कहते हैं ना, वला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, तो वो कह रहा है कि आपको अल्लाह ताला के राज समझ आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये अफलातून कहते हैं कि आई नो टू वेल दैट दीज आर्गूमेंट्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज आर इम्पोस्टर्स। यानी जो लोग भी ये कहते हैं इतने परसेंट उतने परसेंट, इसका इतना चांस उतना चांस, ये सारे धोखेबाज होते हैं और बहुत आपको ध्यान करना चाहिए वरना ये आपको धोखा दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में चीज़ों को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक को हम क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो यहाँ पे अफलातून कह रहे हैं कि आप नंबर्स वंबर्स में ना जाएं ज़्यादा, और मैकेनिस्टिक चीज़ों को देखें जो हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा, एक्चुअली देखें कि चांद ज़मीन खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है। और कार्ल पियर्सन कह रहा है नहीं, आप डेटा इकट्ठा करें और उससे आपको असल बात समझ आएगी। तो इसी से, यानी एक चीज़ है क्वालिटेटिव, एक चीज़ है क्वान्टिटेटिव बाई नेचर। तो इसी तरह दुनिया में लोग भी इस पर्सपेक्टिव ऐसे ही रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि यार ये नंबर से तो खाली गेम ऊपर नीचे की जा रही है, असल बात तो कुछ और है। और दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमने नंबर्स को डिटेल में देखना है, उससे हमें असल बात समझ आती है। तो इनमें से सही या गलत कोई नहीं होता, ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं लोगों के। तो इसके साथ स्टार्ट करते हुए, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो ये इस स्लाइड में स्टैटिस्टिक्स की जस्ट 2-3 स्लाइड्स में पहले डेफिनेशंस हैं, फिर हम आगे चलते हैं। स्टैट्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कहते हैं और एक को इन्फरेंशियल स्टैट्स कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था, कि आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, आप उनको खाली प्लॉट करके कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे चार्ट्स और डायग्राम्स देखे थे। और इन्फरेंशियल ये मतलब होता है कि आपने पॉपुलेशन के अंदर से एक सैंपल लिया और सैंपल की बेस पे इन्फर करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बिहेव करती है। इस्लामाबाद में कितने लोग हैं, 30 लाख आबादी है, खाली 5,000 लोगों का डेटा देख के देखते हैं कि ये लोग, इनकी सोशो इकोनॉमिक्स क्या हैं, पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कहते हैं। और स्टैट्स की अपनी बड़ी एक प्रिसाइस लैंग्वेज होती है, जो कि आपको फिर उसकी ज़रूरत होती है स्टैट्स को और उसकी बेसिस पे एनालिसिस को समझने के लिए। ये कुछ टर्म्स हैं। इन्फ्रेंस हम इस चीज़ को कहते हैं कि जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैम्पल टू अ पॉपुलेशन विद कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। यानी आप ये नहीं बताते कि ये पॉपुलेशन को के बारे में मैंने स्टैट्स इकट्ठी की तो ये इनमें 5% लोग ऐसे हैं, बल्कि आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सैम्पलिंग की, मेरी सैम्पलिंग के बेसिस पे इस्लामाबाद के 5% लोग सो एंड सो हैं और मेरी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी 80% है या 90% है। यानी आप बताते हैं कि चूंकि मैंने सैम्पलिंग की थी तो इसके अंदर पोटेंशियली एरर मौजूद है। अब जो इन्फ्रेंस है, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक को कहते हैं पैरामीटर एस्टिमेशन। अब ये पैरामीटर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन के डेटा को पैरामीटर्स कहते हैं और सैम्पल के डेटा को स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस चीज़ का जवाब देती है कि रिलेशनशिप है या नहीं है, इज़ देयर एन इफेक्ट, और पैरामेट्रिक एस्टिमेशन इस चीज़ का जवाब देती है कि इफेक्ट कितना है। तो ये एक्चुअली ये टाइप्स इस तरह नहीं है कि एक दूसरे से अलग हैं, बेसिकली ये दोनों रिलेटेड हैं। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन के ऊपर हाइपोथेसिस को बिल्ड किया जाता है। ये अगली स्लाइड पर अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि पैरामीट्रिक एस्टिमेशन भी दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट और एक को कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है एग्जैक्टली एक सिंगल नंबर आप दिया जाए। इंटरवल एस्टिमेट का मतलब होता है कि उस सिंगल नंबर दिया जाए लेकिन साथ ही बताया जाए कि
इतने परसेंट चांस है, लेकिन वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल 50 जो है, मेरी गाड़ी जो है वो 11 किलोमीटर पर लीटर करती है, लेकिन ये वेरी होता है 7 और 15 के दरमियान. तो ये लाल वाला डॉट जो है 11 है, इसके लेफ्ट वाला डॉट 7 है, और जो ब्राइट वाला डॉट है वो 15 है. तो एक मैंने पॉइंट एस्टिमेट भी दे दिया, और फिर दो इंटरवल एस्टिमेट्स भी दे दिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स, कि जिसके बीच में मेरे ख्याल में डेटा मूव करेगा. तो अगेन यहाँ पे भी वही है कि ये दोनों कोई एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है, बल्कि नॉर्मली पॉइंट एस्टिमेट इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप उसकी बेसिस पे इंटरवल एस्टिमेट्स बनाएं. अब ये राइट साइड वाले डायग्राम को देखिएगा, तो पॉइंट एस्टिमेट के 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो अंदर वाली ब्लू लाइन है, यानी 11, 7 और 15. 95% बाहर वाली डार्किश ब्लू सी लाइन है, 11 उधर ही है, ये 7 जो है 7 से पीछे जाके 6 हो गया, और वो 15 है 15 से आगे जाके 16 हो गया. इसी तरह 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल और बाहर चली गई दोनों लिमिट्स. अब ये इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप कभी भी कराची एयरपोर्ट नहीं आए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि कराची एयरपोर्ट पे एक वक्त में कितने जहाज़ खड़े हो सकते हैं. तो आप अपने जहन में कोई रफ सी कैलकुलेशन करेंगे कि कराची कितना बड़ा शहर है, कितनी फ्लाइट्स जाती होंगी, तो आप कहेंगे मेरे ख्याल में 10 जहाज़ खड़े हो सकते हैं और शायद 5 से 20 तक डेटा अरेंज करता होगा. तो जब आप ये कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा हाउ कॉन्फिडेंट, आप कितने श्योर हैं कि 5 से 20 तक है, तो आप कहेंगे मैं 90% श्योर हूँ. लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 4 से लेके 25 तक है. अब आपने अपनी रेंज बढ़ा दी, तो ज़्यादा चांस हो गया कि आप की रेंज में आएगा चीज़, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, आप कहेंगे मैं 95% श्योर हूँ. हो सकता है कोई और बंदा हो वो कहे मैं 99% श्योर हूँ कि 2 से लेके 30 के दरमियान जहाज खड़े होते हैं. इसी तरह की एक्सट्रीम केस ले लें तो आप कहेंगे 0 से लेके 500 तक जहाज खड़े हो सकते हैं. अब इसमें तो सब कुछ ही आ जाएगा, जाहिर है ये तो गलत हो ही नहीं सकता. तो